हेलो फैमिली, सुबह की सबको गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल DKN वंदना व्लॉग्स पे। और आज दिन हो गया है फ्राइडे का और सोनाक्षी स्कूल गई। रिसभ अभी देखो मेरा बच्चा तैयार हो गया है, अभी इसको लेके जा रहा हूँ स्कूल छोड़ने। और इसका आज फीस भी जमा करेंगे, फिर सोनाक्षी का भी फीस जमा करना है। तो रिसभ के स्कूल में फीस जमा होगा और सोनाक्षी का जो ड्राइवर लेके जाता है गाड़ी उसको, क्योंकि उसका स्कूल का फीस नहीं लगता है, गाड़ी का फीस लगता है। और जैसे नया डेट आता है यानी नया महीना आता है तो एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है, स्कूल का फीस, गाड़ी का फीस, फिर इस रूम का फीस। फीस ही तो है, किराया समझो चाहे फीस समझो, ये की है। बहुत पैसा खर्चा होता है, बहुत पैसा खर्चा होता है। क्या महीने का 10,000-12,000 तो खर्चा हो जाता है महीने। मन्ना जी कह रही है और ज्यादा, इधर खड़ी है और क्या। हाँ, डेली खुट 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 करके खर्चा होता है, कितना भी संभालो कितने भी करने की कोशिश करो फिर भी खर्चा हो जाता है। कह रहे 3,000 तो दूध का समझ लो। अरे सब चिल्ला रहा है, लाइट नहीं हुआ। तो ऐसे करके छोटा मोटा चीज तो हम जोड़ते ही नहीं, ऐसे खुट खुट करके खर्चा हो जाता है। और जो 10,000-15,000 कमाने वाले हैं सोचते हैं उनका घर कैसा चलता है, तो ऐसे ही चलता है। जिसकी जैसी आमदनी होती है वैसा खर्चा भी होता है, ये तो हर किसी का मानना है। जैसे कि शहर में हो तो ज़्यादा खर्चा है, गांव में हो तो कम खर्चा है। गांव में उसे कम खर्चा होता है क्योंकि बाहर का लोग कुछ खाते नहीं है ज़्यादा, जैसे समोसा जलेबी बस यही सब खा सकते हो। और यहाँ तो दुनिया भर के आइटम मिलते हैं, कभी ये खाना है वो खाना है, इसलिए ज़्यादा लोगों की कोई चीज़ देखो तो जीभ से लाल टपकने लगता है, लालच आता है कि भूख लग जाती है, अरे ये खा ले ये खा ले, खा ही लेते हैं, तो इसलिए पैसे ज़्यादा खर्चा हो जाते हैं। और चलिए फिर रिसभ के स्कूल का फीस जमा करते हैं, उसको छोड़ते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में। बहुत गर्मी है और कह रहे जाओ दाढ़ी मोछा बनवाओ। दाढ़ी मोछा डेली आ जाता है यार, थोड़ा दिन रुक के बनाएंगे तो पैसे बच जाएंगे ना। दाढ़ी मोछा ना तो हम लोग के सर के बाल उग जाते, कितना सही लगता है। कारण जितना दाढ़ी मोछा रहे दाढ़ी मोछा देखो, जहाँ पे ब्लेड ज्यादा लगेगा वहाँ पे बाल जल्दी जल्दी उगता है, ऐसा ही होता है। सर के बाल के लिए शराब मिला है कि बाल अगर झड़ जाएगा दोबारा नहीं आएगा। अब दाढ़ी मोछ का बाल ऐसा शराब मिला है कि जितना बनवाओगे उसका दुगना होगा। अच्छा ऐसा क्यों होता है कि जैसे कि दांत दो बार टूटता है ना तो आ जाता है, और फिर तीसरा बार टूटेगा तो नहीं आता है? नहीं आता है, वो दूध का दांत होता है, बचपन का पेट का दांत रहता है वो टूट जाता है, फिर उसके बाद फिर एक बार टूटता है जब कुछ बच्चे बड़े होते 10 साल के ना, 8-10 साल के, फिर उसके बाद दो ही बार आता है, फिर तिबारा नहीं आता है। हाँ, कमेंट आया कि बंदा जी आप नकली दांत लगाए। हाँ मतलब कि जो मेरे दांत खराब हो गए थे तो नकली लगवाए हैं। वो भी एक नकली आता है कि जो देखने में नकली लगे, लेकिन इस दांत के लिए मैंने असली मान लीजिए बहुत पैसे खर्च किए हैं ना। अरे इनका नकली दांत वो वाला नहीं है जो कि आप लोगों ने कई बुजुर्ग आदमी को देखा होगा, खाना खाने के बाद ऐसे पूरा निकाल लेते हैं फिर उसको धुल के फिर पहन लगा लेते हैं, वो वाला नहीं, इनका फिक्स वाला है, एक बार फिक्स हो गया है, पत्थर का है ये भी, अंदर फिक्स हो गया है। जैसे कि इनका दांत में ना काड़ा खा गया था तो एक दो दांत था वो खराब हो गया था। हाँ, और फिर इनके दांत में कितने लगे हैं? 50,000 54,000 और साफ सफाई करके नया दांत लेके आधा लाख लग गया है। एक महीने का ट्रीटमेंट हो रहा था, बहुत परेशानी चल रही है। अगर 5 साल के अंदर कुछ होता है तो आपको फिर से वही हो, इसलिए कागज रखे संभाल कर। एक बार चलो दिखा देते क्या सफाई करवा लेते हैं। परेशानी क्या झेलियो, जो हमेशा चिल्लाती थी मेरा दर्द हो रहा है दर्द हो रहा है, उससे तो राहत है। नहीं तो हमेशा डेली जैसे अभी कह रहे हैं कि मेरा ये दर्द कर रहा है, ऐसे दांत के लिए बोलती थी। दांत तो बहुत, दांत के लिए तो बहुत हो गए हैं। और ना जब बच्चे होते हैं ना, बच्चे पेट में रहते हैं, केयर ना करो। और हम लोग की शादी थोड़ा जल्दी हो गई थी, पानी तक नहीं पी पाते थे, हम कहे चलो अच्छे डॉक्टर को दिखा देते हैं। 3-4-5 हज़ार रुपए दिए, मेरा ऐसे ही बर्बाद कर दिए बस सफाई। एक बार तो कसम से दांत के पीछे लाखन से ज्यादा फूक दिए। एक बार पीछे जो गए थे इसके 10-12 हज़ार जमा कर दी, पूरा ट्रीटमेंट नहीं करा। ये तो बगर सुइया, लेकिन जहाँ ये वाला हम लोग करवाए थे बहुत अच्छी डॉक्टर थी ना, दर्द नहीं लग करता था, कुछ भी करती थी। तो पैसा पानी की तरह बहाए थे तब जाके ट्रीटमेंट सही हुआ है। आजकल क्या नहीं नकली लग सकता है, अगर आप बुढ़ा गए हो ना तो क्या बोलते है सब चीज एकदम जवानी वाला चमड़ी तक लग जा रहा है। और क्या, बस शरीर में जान होना चाहिए, सर्जरी ऐसा हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा।
तो चलिए हमारे घर पे आज भी पानी नहीं आया है और सोचते हैं फिर मुंह हाथ धुल के चलते हैं, रात को आएंगे नहा लेंगे। जैसे कि रात को आए थे ड्यूटी से तो नहाए थे, अभी पानी नहीं आया है, काफी दिक्कत है। तो आज की जाजा भरे आए खोलने में देखा बल्टी जा, पानी की आने की कोई उम्मीद नहीं है। दिल्ली जैसे शहर में पानी नहीं आ रहा तो गाँव वालों का क्या हाल होगा। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। तो सो फैमिली, पानी नहीं आया लेकिन मैं नहाने वाला नहीं था, फिर भी मैंने एक बाल्टी में, तो सो फैमिली घर में पानी नहीं आया लेकिन मैं नहीं नहाने वाला था, फिर भी मैंने एक बाल्टी में जैसे तैसे करके नहा लिया, एडजस्ट कर लिया हूँ। अब मैं चलता हूँ ड्यूटी के लिए और फिर देखते हैं शाम तक अगर पानी आ जाएगा, जल्दी आएंगे और वंदना जी की थोड़ी हेल्प करा देंगे क्योंकि कपड़े बहुत सारे इकट्ठा हो गए हैं, 3-4 दिन से पानी नहीं आया है। तो ये हमारा टिफिन है, इसको पैक कर लेते हैं और ये हमारा बैग है ले जाने के लिए, इसमें हमारा गाड़ी का कागज वगज है और ये सब देख सकते हैं, और चाबी हमारा यहाँ टांगा है, इसको ले लेते हैं और चलते हैं। अब A few moments later, आपका मेकअप देखे थे, बड़ा मस्त लग रहा था, एक बार ऐसे हमको लगाना है। किसका मेकअप? सोनाक्षी की फ्रेंड की मम्मी है। तो सो गाइस घर पे आ गए हैं और ऋषभ को भी थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, तो उसके लिए भी घर में एक समस्या लगा रहता है। इनका भी दवा चल रहा है, सोनाक्षी का भी दवा चल रहा है, मेरा चल रहा है। अब जा रहा हूँ ऋषभ के लिए भी लेने। आपका तबीयत कैसा है जी? भगवान की देर से सब ठीक है, आप उनके साथ रहेगा। भगवान की कृपा तो है ही, बाकी हमारी यूट्यूब की फैमिली है, ये लोग दुआ करते ही है। बाकी हम चलते हैं, नहीं दुकान बंद हो जाएगा, फिर मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। पहुँच गए हैं मेडिकल के दुकान पे सबके लिए दवा लेने, तो भाई साहब निकाल रहे हैं। तो सो गाइस घर पहुंच गए हैं और वंदना जी का आजकल बड़ा छाछ पीने का मन कर रहा, तो छाछ लेके आए थे दोपहर में, तो फ्रिज में रख दो ना। लो जी अपना अमानत पकड़ो, लिया क्या किया, पानी गिराए हो क्या? खेल रहा है। तो ऋषभ देखो तुम्हारा दवा आ गया, लो। लो ऋषभ को इस साबुन से नहलाना और ये सिरप है और ये दवा है। हाँ यही तो लगता है सबको, यही दवा दूध के साथ देना है ना। हाँ कौन सा? ये वाला डेली आधा। हाँ शाम को आधा देना और उसको एक चम्मच देना है और एक क्रीम लगाना उसको, उससे नहलाना। हम भी अपना दवा ले आएंगे। तो सो फैमिली आप देख सकते हैं वंदना जी काफी खुश हैं और बहुत बहुत दिनों के बाद मेरा पैर दबा रही है। जब बोलते पैर दबाने के लिए ना, बोलती मेरा छोटा छोटा हाथ है, दबाते तो थक जाते हैं। छोटा हाथ है घर के काम के लिए। फोन भी आ गया इनका। सो फैमिली ऋषभ का दवा, मेरा दवा, वंदना जी के दवा, सोनाक्षी की दवा, सबसे ज्यादा पैसा हमारा दवा में ही खर्चा होता है। भगवान करे किसी को भी ऐसी नौबत ना आए दवा का और कोर्ट कचहरी का, पुलिस का चक्कर, ये सब बहुत ख़राब होता है, लोगों का पैसा इस चीज़ में फालतू जाता है। तो भगवान से यही दुआ करते हैं, आप लोग भी दुआ करिए कि किसी भी इंसान को ऐसी परिस्थिति ना आए कि दवा, पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़े। इस सब चक्कर में ना आदमी बर्बाद हो जाता है, जब कोई बड़ी बीमारी आ जाती है, बड़ा केस आ जाता है इस सब में, तो बहुत ही लेने के देने पड़ जाते हैं। तो हमारा जो पैसा है दवा में बहुत खर्चा हो रहा है, मेरा भी। तो यही सब है, जितना पैसा बचाने की कोशिश करते हैं उससे ज़्यादा खर्चा ही हो जाता है, बाकी बच्चे हैं थोड़ा मोड़ा इनके लिए भी खर्च हो जाता है। तो चलिए ये सब बातें होते रहेंगे, फिर आगे का बताएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, और अपने ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।